मैं अंजना जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इस देश में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया है। मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के जो सरकारों के मंत्री हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो यहां पर बता दें कि पहले चरण में जब हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को जोड़ा गया था वहां पर कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ था, टर्न अप हुआ था। दूसरे फेज में मुझे लगता है इसका जवाब बन्ना जी से लेते हैं, सारंग जी इसका जवाब बन्ना जी से लेते हैं, क्योंकि अंजना जी मुझे पूरी बात कर लीजिए, अंजना जी मेरा ये कहना है कि पहले जब वैक्सीन शुरू हुआ तो आपने ध्यान नहीं दिया। आप बता दीजिए 100% क्या हेल्थ वर्कर को आपने वैक्सीन लगाया, क्या आपने 100% फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाया? अब राजनीति करना, अरे भाई सबसे पहले तो धन्यवाद दीजिए वैज्ञानिकों को, धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद दीजिए केंद्र की सरकार को, और आप बैठकर यदि आप में जरा भी नैतिकता है तो आज उन नेताओं की भर्त्सना भी कीजिए जिन्होंने शुरू में आकर वैक्सीनेशन के मामले में लोगों को गुमराह किया था। ठीक है, बन्ना गुप्ता जी, ये वैक्सीन नकली है, ठीक है, ये वैक्सीन खतरनाक है। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, केंद्र की सरकार बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चला रही है, हमें कहीं कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में 4,000 सेंटर में रोज 4,00,000 लोगों को प्रताप सिंह जी ने, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, प्रताप सिंह जी उस दिन भी बैठे थे, उन्होंने कहा था वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलना सही नहीं है, और वो कांग्रेस शासित राज्य के परिवहन मंत्री हैं। लेकिन जल्दी से बन्ना जी एक बार इसका जवाब दीजिए, फिर मैं नुपुर जी आपके पास आ रही हूँ। बन्ना जी जल्दी से जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं एक तो जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, और उन्होंने कहा कि शुरू में टर्नआउट को लेकर जो सवाल थे उस पर उन्होंने पूछा आपसे। अच्छा अंजना जी मुझे भी बोलने दीजिए। अंजना जी ऐसा है, पहला तो मैं बहन नूपुर शर्मा के सवाल का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन बर्बाद हो रहे हैं, उनको अभी आंकड़े मंगा के देखने चाहिए कि 6.5 जो है वो देश का आंकड़ा है और हमारे राज्य का आंकड़ा 3.1% है जो वैक्सीनेशन बर्बाद हुई है। यूपी का आंकड़ा 9.4 का है, कर्नाटक का आंकड़ा 6.9 का है, और गुजरात का आंकड़ा 5.3 का है। पहला तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं, आप मंगा के देख लीजिए, प्रेस पे मत जाइए, आप जो आंकड़े हैं भारत सरकार के उसको जरा टेस्ट कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सारंग साहब को लगता है कि उन्होंने कहा डिजाइन, वो उनको तो ये भी कहना चाहिए कि जो वैज्ञानिकों ने बनाया है वो मोदी जी ने ही बनवा दिया है, खुद मोदी जी ही वैज्ञानिक है, क्योंकि माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, मतलब सारी चीज जो है मोदी महिमा मंडन करने के लिए ये बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेशक वो चाहे तो अफगानिस्तान को दें, पाकिस्तान की पूरी बुराई करते हैं, चुनाव में मुद्दा खड़ा पाकिस्तान होता है, लेकिन 45,00,000 डोज जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। अरे दुनिया का विश्व गुरु भारत पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन विश्व के हीरो बनने के लिए मोदी जी कम से कम भारत की जनता का जान मत लीजिए, भारत की जनता को वैक्सीनेशन के लाभ मैं आ सकती हूँ, वही चीज दोबारा बोल रहे हैं। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है, पता है मैं, आप ये लड़ाई अनंत चलेगी और मुझे लगता है फिर से कभी करेंगे। विद साहब मुझे लगता है लोगों की रुचि सी बात में है, मैं आ रही हूँ, नुपुर आ रही हूँ एक बार विद साहब से, क्योंकि लोगों की रुचि देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस और ये किसका किसकी सरकार किसका राज्य चलता रहेगा, मैं पूछ रही हूँ आम लोगों से जुड़ी हुई खबर। विद साहब लॉकडाउन लगने की सोच रहे हैं कि आप लोग, लॉकडाउन की नौबत आ रही है क्या, एग्जाम रद्द नहीं होने चाहिए बच्चों के लिए? ठीक है बन्ना जी, कि मोदी जी ने बैठ के वैज्ञानिकों को बताया, एक सेकंड बन्ना गुप्ता जी, सभी उपायों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हमें हर हालत में इस बीमारी से लड़ना है। अभी हमने लॉकडाउन के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे। ठीक है बन्ना गुप्ता जी, आप जल्दी से बताइए, लॉकडाउन लगाइएगा, बच्चों के एग्जाम रद्द होने की बात करेंगे आज हेमंत सोरेन जब पीएम के सामने होंगे? नहीं देखिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अभी एक हाई प्रोफाइल बैठक में जितने भी अभी जहां जहां भीड़ होती है, जमावड़े होते हैं, उसको समाप्त करने के लिए हमने 8 बजे सारी दुकान वगैरह बंद करने का काम किया, 144 लगाने का काम किया,
तदुपरांत हम देखेंगे कि यदि हमारी व्यवस्थाएं इसके अनुसार थोड़ी सुधर रही हैं और यदि नहीं सुधरेंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी कड़े कदम उठाने के लिए जो है सक्षम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम किसी भी हाल में हम अपने राज्य की जनता के जान माल को सुरक्षित रखने के लिए चाहे केंद्र हमको मदद करे नहीं करे, लेकिन हम वचनबद्ध हैं कि हम अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए अपने शरीर का एक एक तिल तिल लगाने के लिए वचनबद्ध हैं। ठीक है सारंग साहब, यही सवाल आपसे भी, लॉकडाउन लगाने की मध्य प्रदेश में पूरी सोच रहे हैं क्या आप लोग? कुछ शहरों में लगा है। और दूसरा, बच्चों के एग्जाम रद्द होने चाहिए कि नहीं? क्या शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखेंगे? एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, देखिए बच्चों में संक्रमण फैला, बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। 1,26,000 और जिस तेजी से फैल रहा है, 3 घंटे बच्चे बैठेंगे मास्क लगा के, कितनी देर रहेंगे, कैसे लिखेंगे? संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सारंग साहब, अंजना जी, सबसे पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये वैक्सीन की बात हो या कोरोना की बात हो, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। जब वैक्सीन बनी थी तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।